वेलकम स्टूडेंट्स इन योर साइंस लेक्चर चैप्टर नंबर 10 आवर एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन. व्हाट इज एनवायरनमेंट? दिस टर्म इज नथिंग न्यू फॉर यू. यू ऑल नो, आप सब जानते हो दैट एनवायरनमेंट इज एनीथिंग दैट सराउंड अस, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग. हमारे आसपास जितनी भी लिविंग कंडीशन, जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग कंडीशंस हैं, सब हमारा एनवायरनमेंट बना रहे हैं. Environment comprised all living and non-living things that occur naturally on the earth. Now, our surrounding are part of the environment. School, houses, parks, markets, our neighbors, our family members and other makeup our immediate physical environment. हमारे आसपास का जो चाहे हमारे family members हैं, चाहे हमारा park area है, चाहे हमारा house है, हमारे neighbors हैं, ये सब हमारा environment बना रहे हैं. And this is our physical environment. ये हमारा क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट है. अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, एनिमल एंड प्लांट ऑल्सो हैव देयर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट ऑफ स्क्वायरल इंक्लूड सन, द एयर इट ब्रीथ, द फूड इट ईट, द वाटर इट ड्रिंक, द ट्री इट लिव ऑन एंड द अदर प्लांट एंड एनिमल अराउंड इट. इवन हमारे आसपास भी अगर हम एनिमल्स देखें तो उनका इन्वायरमेंट कौन है? या तो वो दूसरे एनिमल्स, या वो एरिया जिसमें वो रह रहे हैं, वो फूड वो जो खा रहे हैं, वो सब उनका इन्वायरमेंट है. What does environment give us? Environment हमें क्या देता है? We depend on environment for our basic need. हम environment पर depend है हमारी कुछ ज़रूरतों के लिए, such as shelter, cloth, food and water. The food we eat come from plants and animal. Milk, egg, meat are obtained from animal. Cereal, pulses are obtained from plants, vegetables, fruits. Okay, ये सब कहाँ से मिलते हैं? Plants से मिलते हैं. मेडिसिंस के लिए हम प्लांट्स पर डिपेंड हैं. सो किसी वे में हम लोग इन्वायरमेंट पर डिपेंड हैं. शुड वी टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट, क्या हमें इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए? द इन्वायरमेंट प्रोवाइड अस एवरीथिंग दैट सपोर्ट आर सर्वाइवल. इन्वायरमेंट हमारी जितनी भी बेसिक नीड है प्लस एडिशनल नीड जो हमारी ज़रूरतें हैं उन सबको भी पूरा करने में हेल्प करता है. सो इसलिए हमें इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, मेंटेन रखना है, नीट रखना है. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है ताकि हमें आने वाले टाइम में इन्वायरमेंट ऐसी हेल्प करता रहे जैसे अभी तक हेल्प करता आया है. अनफॉर्चुनेटली मैनी ऑफ आर एक्टिविटीज़ आर एडवर्सली अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट. लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ना कुछ ऐसी हमारे से हम ऐसा कुछ वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है उसको. अब ऐसा क्या नुकसान हो रहा है? हमारे केयरलेसली जो हम लोग गार्बेज को थ्रो कर देते हैं इधर उधर, उससे पॉल्यूशन हो जाता है. वो सड़ने लग जाता है. सड़ने से क्या होगा? स्मेल होगी चारों तरफ और पॉल्यूशन भी होगा. फिर हम क्या करते हैं, जो कॉन्टेमिनेटेड मतलब जो हार्मफुल गैसेस हैं जो फैक्ट्री से निकल रही हैं उसको बिना सोचे समझे फैक्ट्रीज में से, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए हमारे लिए, जो भी हमें चाहिए उनको यूज़ कर रहे हैं और उससे फैक्ट्रीज जो हैं वो हार्मफुल इफेक्ट दे रही हैं इन्वायरमेंट को. तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में हमारी एक्टिविटीज़ के वजह से ही नुकसान हो रहा है. सो हमें क्या करना है? ध्यान रखना है. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट दिस कि क्या नुकसान हो रहे हैं और हम कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं या कैसे हम उसे रोक सकते हैं. पॉल्यूशन, व्हाट इज़ पॉल्यूशन? यू नो दैट एडिंग एनीथिंग दैट इज़ हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट कॉज पॉल्यूशन. कोई भी ऐसी चीज़ जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, जनरली इसके लिए एक टर्म दिया गया है पॉल्यूटेंट. पॉल्यूशन कॉज करने वाले होते हैं पॉल्यूटेंट, ये हार्मफुल होते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है. एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन. फर्स्ट इज एयर पॉल्यूशन. The addition of pollutants such as harmful gases, dust, fume and smoke in the air is called air pollution. Harmful gases, dust, fumes or smoke, ये जो होती हैं ये air pollution के responsible होती हैं. It can occur due to human activities or natural phenomena. Air pollution two reasons से हो सकता है, या तो हमारी activities के through भी हो सकता है और ये natural condition की वजह से भी हो सकता है. कुछ नेचुरल ऐसा फिनोमिना हो सकता है जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस मिक्स हो सकती हैं. नेचुरल फिनोमिना एग्जांपल इज वॉल्केनिक इरप्शन, पोलन डिस्पर्सल एंड फॉरेस्ट फायर. जंगल में आग लग जाना, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनो आपने देखा होगा टीवी, जनरली हम लोग चैनल डिस्कवरी चैनल पर इसको देखते हैं. पोलन डिस्पर्सल, फ्लावर में से पोलन का डिस्पर्सल होना.
इट कॉन्टिमिनेट द एयर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. द पॉल्यूटेंट इन द एयर स्प्रेड वेरी फास्ट एंड कॉज हार्म टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. पॉल्यूटेंट जो हैं वो एयर में बहुत तेजी से फैलते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान करते हैं. देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है. फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. ट्री, जब हम पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, जो पेड़ हैं क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हार्मफुल गैसेस एब्जॉर्ब करने वाला फैक्टर ही नहीं है, तो हार्मफुल गैसेस कहाँ जाएंगी, सीधे एयर में मिक्स हो जाएंगी. फिर सेकंड फैक्टर है, हम लोग फ्यूल बर्न करते हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, जो हमारे व्हीकल्स में, फैक्ट्रीज, प्लस फैक्ट्री से निकलने वाला जो हार्मफुल गैसेस हैं ये सब के सब पॉल्यूटेंट हैं. देन स्मोक कमिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज आर हार्मफुल गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एयर. और इसमें से इवन स्मोक जो भी फैक्ट्री से निकलती है उसमें हार्मफुल गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एयर को पॉल्यूट करती है. देन बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखे चलाना, गार्बेज एंड स्टबल इन अनदर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. गार्बेज को भी जला देते हैं ना, कचरा इकट्ठा हुआ और जला दिया, इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. वॉल्केनिक इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर, ये भी एक फैक्टर है जो पढ़ चुके हैं हम अभी. देन अफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट हैं. जब एयर पॉल्यूट हो रही है तो हम इसी जो डस्ट या स्मोक वाली एयर है उसको ब्रीथ करते हैं. इससे क्या होगा, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, आई में इरिटेशन हो सकती है, एलर्जीज हो सकती हैं. ओके, देन समटाइम हार्मफुल गैसेज प्रेजेंट इन एयर मिक्स विद रेन एंड फॉर्म एसिड रेन. यही हार्मफुल गैसेज जो हैं क्लाउड में मिक्सड होने के बाद रेन के रूप में जब नीचे आती हैं तो एसिड रेन के रूप में नीचे आती हैं ये. एंड दिस हार्म प्लांट एंड इवन बिल्डिंग्स. सम ऑफ द पॉल्यूटेंट आर वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ. कुछ पॉल्यूटेंट और भी डेंजरस होते हैं. दे कॉज हार्ट डिजीजेज एंड कैन अफेक्ट द ब्रेन, लिवर एंड किडनी. देन प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं. पॉल्यूशन चेक्स ऑफ व्हीकल मस्ट बी रेगुलरली कैरिड आउट. व्हीकल्स जो हैं उन्हें पॉल्यूशन चेक के लिए ले जाना चाहिए. उसमें से धुआं तो नहीं निकल रहा, हार्मफुल गैसेस तो नहीं इमिट हो रही उसमें से. देन फैक्ट्री मस्ट बी फिटेड विथ टॉल चिमनीज. फैक्ट्रीज में ऊँची ऊँची चिमनी लगाई जानी चाहिए जिससे हार्मफुल गैसेज जो हैं वो स्केप, मतलब हमारे जो एटमोसफेयरिक क्लियर है उससे हार्म नहीं करें, हमें उससे ऊपर निकल जाए. देन बर्निंग ऑफ एनी काइंड ऑफ वेस्ट मस्ट बी बैन. किसी भी तरह का जो वेस्ट है उसे बर्न करने के लिए, बर्न नहीं किया जाना चाहिए, उसे बैन कर देना चाहिए. बर्निंग अलाउड नहीं होनी चाहिए गार्बेज की. देन ट्री गिव आउट ऑक्सीजन एंड हेल्प टू प्योरीफाई द एयर. प्लांट मोर ट्री इन देयर नेबरहुड सो दैट दे गिव आउट ऑक्सीजन. हमें आसपास हमारे क्या करना चाहिए, प्लांट करने चाहिए ट्रीज, जिससे हार्मफुल जो गैसेज हैं वो एब्जॉर्ब कर ले ट्री. और ट्री हमें क्या करता है, फ्रेश एयर देता है, क्लीन एयर देता है. देन कम विद द लैंड पॉल्यूशन. द एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन द सॉयल इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन. पॉल्यूटेंट यानी हार्मफुल, कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस जब लैंड में हमने डंप किया, लैंड पे फेंका, तो क्या हुआ, लैंड पॉल्यूट हो गई. कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन. सबसे पहला कॉज जो लैंड पॉल्यूशन का वो है इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड गार्बेज. घर से निकलने वाले कचरे को हमने जमीन इधर उधर फेंक दिया, इज अ मेजर कॉज ऑफ लैंड पॉल्यूशन. स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड पॉल्यूट द सॉयल विद हार्मफुल केमिकल्स. दिस गिव राइज टू लैंड पॉल्यूशन. फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर देना क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, क्रॉप्स को बचाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंसेक्टिसाइड, जो कीड़े होते हैं ना उन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं करें, इसलिए इनको हम लोग स्प्रे तो कर देते हैं, लेकिन ये जो केमिकल इफेक्ट है ये लैंड को पॉल्यूट कर देता है. एडिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज केन एंड प्लास्टिक बॉटल कॉज लैंड पॉल्यूशन. सबसे बड़ा फैक्टर है प्लास्टिक. प्लास्टिक क्योंकि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए प्लास्टिक केन्स और प्लास्टिक बॉटल्स, इवन केन्स और बॉटल्स को भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा और इससे भी लैंड पॉल्यूशन होगा. डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज कॉज लैंड पॉल्यूशन. इंडस्ट्रीज से कचरा निकला और ज़मीन पर डाल दिया गया, इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से लिया और कहीं भी खाली एरिया देख के वहाँ पे डंप कर दिया, सो दिस कॉज लैंड पॉल्यूशन. इम्प्रॉपरली मेंटेन लैंडफिल ऑल्सो कॉज लैंड पॉल्यूशन. लैंडफिल्स क्या होता है स्टूडेंट, कोई ऐसे खाली एरिया होता है जिसमें कचरा फेंकने लग जाते हैं, मतलब भरने लग जाते हैं, जिससे कि वो ज़मीन जो है एक लेवल तक आ जाए, इसे लैंडफिल प्रोसेस बोलते हैं. ये भी इम्प्रॉपर, अगर अच्छे से मेंटेन नहीं हो, इम्प्रॉपर वे में हो, तो भी लैंड पॉल्यूशन हो सकता है.
अफेक्ट ऑफ लैंड पॉल्यूशन. डिफॉरेस्टेशन डैमेज द सॉयल. एक्चुअली द रूट ऑफ ट्री बाइंड द सॉयल इन प्लेस. डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का कटना, ये क्या करेगा, जब पेड़ कट जाएंगे तो इससे सॉयल को नुकसान होगा. क्या होता है कि रूट जो होती हैं ट्री की, वो सॉयल को बाइंड करके रखती हैं, रोक के रखती हैं. लेकिन जब ट्री नहीं होंगे तो रूट्स नहीं होंगी, और जब रूट्स नहीं होंगी तो सॉयल को बाइंड करने वाला कोई नहीं होगा. और जब भी तेज़ हवा चलेगी या बारिश होगी तो टॉप लेयर जो है सॉयल की वो इरोड हो जाएगी, यानी एक जगह से बह के दूसरी जगह ले जाई चली जाएगी, या वहाँ से जाके वो सीधे सी में चली जाएगी. तो इससे क्या है, टॉप लेयर तो नुकसान में गई, टॉप लेयर तो रही नहीं हमारे पास. और सॉयल जो है जिसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होता है, वो कौन सी लेयर होती है, टॉप लेयर होती है. तो हमारे लिए फर्टाइल लैंड जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है. प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड सॉयल. प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं होंगे इस सॉयल में. एनिमल फीड ऑन प्लांट ग्रोइंग इन पॉल्यूटेड सॉयल फॉल इल. एनिमल जो ऐसे प्लांट्स जो पॉल्यूटेड लैंड पे ग्रो हुए हैं उसको खाएंगे तो वो भी नुकसान में रहेंगे, उनको भी बीमारियां हो जाएंगी. सो वी शुड टेक केयर. हमें क्या करना है लैंड पॉल्यूशन से बचने के लिए, जितना भी वेस्ट है उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना है. जहाँ पे भी लोकल अथॉरिटीज़, यानी हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक आते हैं ना कचरे वाले गाड़ी वाले भैया, उनके हम सारे का सारा कचरा डाल देते हैं उसमें. सो दिस इज़ अ करेक्ट वे, यही सही तरीका है. वी मस्ट रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग. हमें प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना है. हमें अपने साथ जब भी कहीं मार्केट जाना है तो अपने साथ कैरी बैग्स ले, हमारे घर के बने हुए क्लोथ बैग्स लेके जाने हैं. देन वी मस्ट रीयूज अ बॉटल प्लास्टिक कंटेनर. हमें घर में पड़े हुए जो भी प्लास्टिक कंटेनर हैं या बॉटल्स हैं उन्हें दोबारा यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है. और वी शुड डू, वी कैन सेल इट टू द कबाड़ी वाला फॉर रिसाइकलिंग. हम प्लास्टिक को इधर उधर थ्रो नहीं करें और उसे कबाड़ी वाले को ही सेल करें, ओके. देन वाटर पॉल्यूशन. द एडिशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन, पानी में जब फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल कचरा, या हम कह सकते हैं हमारे आसपास से कहीं से भी डंप जो है वो गार्बेज जो है वो डंप कर दिया जाए वाटर बॉडी के आसपास, दिस कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन. फर्स्ट फैक्टर, मिक्सिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेनिंग टॉक्सिक केमिकल विद वाटर बॉडी सच एज रिवर एंड लेक सिवियरली पॉल्यूट द वाटर. इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है, फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल रिवर्स में विदाउट चेंजिंग इनटू लेस हार्मफुल. मतलब ये नहीं करते कि उसको पहले लेस हार्मफुल कर लें, जिससे वो हार्म ज़्यादा नहीं करे, उसको नदी के आसपास जो है छोड़ देते हैं. और इससे पानी में क्या होगा, पॉल्यूटेंट हो जाएंगे और पानी जो है वो पॉल्यूट हो जाएगा. थ्रोइंग ऑफ वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग कार्टन इनटू रिवर कॉजेज वाटर पॉल्यूशन. वॉशिंग क्लोथ एंड बाथिंग इन रिवर पॉन्ड्स लीड टू वाटर पॉल्यूशन. देन वाटर रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, ये भी वाटर पॉल्यूशन करते हैं. क्यों? क्योंकि फार्मर क्या करता है, अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो कि हार्मफुल होते हैं केमिकल वाले, उनको स्प्रे कर लेते हैं, और जब बारिश होती है तो ये बारिश से बहते हुए नदियों में चले जाता है. सो ये भी एक नुकसान है. डंपिंग वेस्ट इन ओशन पॉल्यूट वाटर. फिर जो वेस्ट है वो भी अगर पानी में डाल दिया जाए जैसे ओशन वगैरह में, तो उनको भी नुकसान होगा, वहाँ पे रहने वाले एनिमल को भी नुकसान होगा. तो इनसे बचने के लिए क्या करना है कि वाटर पॉल्यूट नहीं हो. वाटर पॉल्यूट नहीं हो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, कि हमें पॉल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. सो प्लांट डाई इफ पॉल्यूटेड वाटर रीचेज देयर रूट. यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट दिए हुए हैं कि वाटर पॉल्यूशन से क्या क्या होता है. अगर वाटर पॉल्यूट हो गया तो जो वाटर बॉडीज में प्लांट और एनिमल हैं उनकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा और वो डाई होने लग जाएंगे, मरने लग जाएंगे. हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड वाटर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट वाटर. क्योंकि जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं पानी में उससे ऑक्सीजन जो है वाटर में वो कम हो जाएगा. एंड एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट डाई बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन. और इसी कमी से प्लांट और एनिमल जो पानी में रहते हैं वो भी मरने लग जाएंगे. समटाइम एनिमल लिविंग इनसाइड द वाटर स्वेलो द गार्बेज. कई बार क्या होगा, ऐसे एनिमल जो पानी में रह रहे हैं और ऐसे गार्बेज जब हम थ्रो कर देते हैं बिना सोचे समझे, तब क्या होगा, वहाँ पर रहने वाले एनिमल जब इस पानी में गलती से उनके मुंह में कोई भी गार्बेज चला गया, सो दिस कैन ऑल्सो कॉज चॉकिंग. और उनकी चॉक हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा फूड में, और फिर वो मर सकते हैं.
पॉल्यूटेड वाटर लीड टू डिजीज सच एज डायरिया एंड टाइफाइड. और ये यही नहीं, एनिमल को नुकसान नहीं कर रहा, इवन हमें भी. अगर हम गंदे पानी को ड्रिंक करें, जनरली वी आर लिविंग इन सिटी, हम लोग तो सिटी में रह रहे हैं, सो वी आर नॉट थिंकिंग के ऐसा कोई पार्ट भी हो सकता है. अगर हम अपने से दूर कहीं एरिया में जाके देखें जहाँ पर गार्बेज ऐसे थ्रो रहता है, वहाँ पे लोग वहीं से पानी भर रहे हैं, उसी नदी में नहा भी रहे हैं, और तो क्या होता है, वो दैट वाटर इज़ हार्मफुल, वो पानी नुकसानदायक है, उसे डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं. सो वॉट वी शुड डू, क्या हमें क्या करना चाहिए ऐसा नहीं हो. इसके लिए हमें ये करना है कि इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें पानी में कचरा डालने से पहले उसको ट्रीट करना होगा, उसे हार्मफुल नहीं हो इसलिए उसको ट्रीट करें जैसे वो लेस हार्मफुल हो जाए, वो कम अफेक्ट करें. वी शुड अवॉइड वॉशिंग क्लोथ पानी में, ऐसे खुले नदियों में ऐसे पानी में कपड़े नहीं धोने हैं. वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज वेस्ट इन द नियर बाय वाटर बॉडीज, आसपास पानी के, यानी कहीं भी गार्बेज थ्रो कर दिया, नो. प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाना है. वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग मोर ट्री. सबसे पहला कॉमन फैक्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे, हेल्दी रहे. द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एरिया दैट हैव बीन डिफॉरेस्टेड और हैव फ्यूअर ट्री इज नोन एज एफॉरेस्टेशन. ऐसे एरिया जहाँ पर किसी टाइम पर पेड़ काट दिए गए, या हम कह सकते हैं जहाँ पर बहुत कम पेड़ हैं, ऐसे एरिया में नए पेड़ लगाना क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये प्रोसेस कहलाता है एफॉरेस्टेशन. कटिंग ऑफ ट्री डिफॉरेस्टेशन एंड प्लांटिंग ऑफ ट्री एफॉरेस्टेशन. सो बोथ टर्म शुड बी क्लियर, दोनों टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए. ट्री लगाना, पेड़ों को उगाना, दैट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, और पेड़ों को काटना, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. वी मस्ट नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर, हमें प्लास्टिक बैग्स यहाँ नहीं फेंकने चाहिए. देन वी मस्ट नॉट डंप द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को भी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है. ड्राई वेस्ट हैं जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, इनको भी थ्रो नहीं करना है. सो वॉट वी शुड डू, वी शुड कलेक्ट ऐसे वेस्ट जो हम इधर उधर नहीं फेंक सकते, हमें पता है कि रिसाइकिल हो सकते हैं, उसे हमें कबाड़ी वाले को ही देने हैं. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेजुअली बिकम अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी. अब हमारे आसपास वर्ल्ड जो है वो क्लियर हो चुका है, मतलब उसको अवेयर है, वो जान चुका है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है. सो इन 1972 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू डेडिकेट अ डे टू रेज एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड टू इनकरेज एक्शन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दैट इज 5th June. तो पूरे वर्ल्ड में ये 5th June जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है. देयर आर 3 R's, यहाँ पर पूरे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए 3 R दिए गए हैं. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. रिड्यूस मीन हमें हमारी जो नीडेड थिंग नहीं है, उनको जो हमें ज़रूरत नहीं है, हम उनको रिड्यूस कर लें, यानी गार्बेज को कम फैलाएं. इधर उधर ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे तो गार्बेज भी ज़्यादा होगा. देन रीयूज, चीज़ों को हमें पता है कि हमारी यूज़ नहीं आ रही है, हमारी यूज़ नहीं आ रही लेकिन किसी और की यूज़ आएगी तो उसको दे दो. देन रिसाइकलिंग, लग रहा है कि ये चीज़ अब हमारे काम की नहीं है तो उसे कबाड़ी वाले के दे दो, कबाड़ी वाला उसको ले जाके फैक्ट्री में देगा और फैक्ट्रीज में वो रिसाइकिल होकर हमारे पास आ जाएगी. सो दीज आर द 3 R, ये 3 R है स्टूडेंट्स. ओके, दिस वॉज अबाउट द टॉप चैप्टर, यही आपका चैप्टर था. रीड द चैप्टर, आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स इन PDF. थैंक यू स्टूडेंट्स.